कल हमने पढ़ा था नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का ग्राफिक एड्स की डिटेल्स में हमने पढ़ा था। सबसे पहले चॉकबोर्ड पढ़ा था हमने, उसके बाद चार्ट्स पढ़े थे, न्यूज़पेपर पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका रिमेनिंग टॉपिक जो बच्चा पढ़ा था वो हम लेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स है जो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले पी ग्राफ, दूसरा बार, तीसरा वन लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। इसके बारे में हम बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो इसकी हमने फ्लो चार्ट यहाँ पे बना रखा है कौन सा कैसा दिखता है, और कुछ एक ग्राफ्स आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होता है? एक न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप और स्टैटिकल डाटा होता है जो प्रेजेंट होता है एक फॉर्म के रूप में। न्यूमेरिकल डाटा या स्टैटिकल डाटा को आप एक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पी ग्राफ के ऊपर, जो कि ऐसा दिखता है। पी ग्राफ जो है उसके अंदर क्या होता है, द डाटा प्रेजेंटेड थ्रू द सेक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ सर्कल। सर्कल के जो अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं उसके अंदर डाटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे अलग अलग डाटाज होंगे अलग अलग पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे। डिटरमाइनिंग द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन अ क्वालिटी नोन एज पी मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पी ग्राफ। सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कल इज टू कवर 360 डिग्री। 360 डिग्री है इसका सरफेस एरिया जो है। टोटल फ्रिक्वेंसी है वो इक्विवेलेंट होगा 360 डिग्री, देन द एंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पोनेंट पार्ट्स आर कैलकुलेटेड। After determining the angle, required sector in the circles are drawn. उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, हमारे बार ग्राफ के ऊपर। बार ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रेजेंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन होगी वो एक्सट्रीम स्केल ऑफ हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ बार्स। ईच बार मस्ट बी सेम विड्थ हाइट ओवर अ पीरियड विच रिप्रेजेंट द कोरिस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ वेरिएबल्स। ग्राफ आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, हमारे वन लाइन ग्राफ या द लाइन ग्राफ या कर्व ग्राफ, जिसमें आप उसको बोल सकते हैं कि टू शो द ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। एंगल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल होगा सिंगल लाइन शो द रिलेशन एंड द वेरिएशन इन क्वान्टिटी। क्वान्टिटी के अंदर वेरिएशन इसके बारे में रिलेशन के बारे में शो करता है। क्वांटिटेटिव डाटा इज प्लॉटेड व्हेन डाटा इज कंटिन्यूअस। डाटा क्या हुआ, कंटिन्यूअस कम या ज़्यादा हो रहा है तो कंटिन्यूअस एक लाइन के अंदर चलता है, इसे ही बोलते हैं वन लाइन ग्राफ। उसके बाद हम आते हैं पिक्टोरियल ग्राफ। पिक्टोरियल ग्राफ भी होगा इसके अंदर, और एक आएगा हिस्टोग्राम, एक आएगा फ्रिक्वेंसी पाइलोग्राम और एक आएगा ऑब्यू ग्राफ। ये सारे ग्राफ्स के टाइप हैं बहुत सारे, कुछ एक के डायग्राम्स मैंने यहाँ बनाए हैं, कुछ एक इसके आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो आता है वो ग्राफिक एड्स का जो अगला पॉइंट है वो है पोस्टर्स। तो हम पोस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पोस्टर्स क्या होते हैं, एक गुड सब्सटीट्यूट होता है एक्सपीरियंस के तौर पर। पोस्टर्स अपन देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं जो हमारे स्टडी में हमें बहुत इजी करवाते हैं पढ़ने के अंदर, लर्निंग के अंदर, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, जिसको आप बुक्स की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, जिसको एक प्रिंटेड कार्ड के फॉर्म में बना सकते हैं अपन। और इसके जो पोस्टर्स के बारे में जो यूज़ हैं वो हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट और प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट या इवेंट का एडवर्टाइज करने के लिए हम पोस्टर्स बनवाते हैं, या फिर क्या करेंगे
कि डायरेक्शंस के लिए मैप्स वगैरह की डायरेक्शंस वगैरह को देने के लिए अपन पोस्टर्स का यूज़ करते हैं, और पॉपुलराइजिंग अ स्लोगन स्लोगन के लिए, और उसके बाद अटेंशन टू आर डिजायरेबल एक्शन एंड वैल्यूज़ के लिए, और वार्निंग साइंस के लिए अपन पोस्टर्स का यूज़ करते हैं, पॉपुलराइजिंग अ सिंबल और अ साइन के लिए, और इंस्टेंट स्पीच के लिए, सिंगल आइडियाज एंड फ्यू आइडियाज के लिए, सुटेबल फॉर पेशेंट एजुकेशन, प्रेजेंटिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, सोविंग सेफ्टी मेजर्स एंड मैनी अदर फैक्ट्स रिलेटिंग टू हेल्थ. गुड पोस्टर इज सिंप्लिसिटी इन डिपिक्शन, ड्रामेटिक एक्शन पैक, शॉर्ट मैसेज, कलरफुलनेस एंड आई कैचिंग फिगरेटिव डिजाइंस. ये सारे इसके यूज हो गए और ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए. रूल्स क्या होते हैं पोस्टर को प्रिपेयर करने के लिए? सबसे पहले एक स्पेसिफाइड पेपर्स होते हैं जो कि पोस्टर्स को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं. उसके बाद सपोर्ट होता है लोकल डेमोन्स्ट्रेशंस का या लोकल एग्जिबिट्स का. उसके बाद जो होता है वो राइट अ मैसेज एज टू बी रीड इन अ सिंगल क्लास एंड यूज बोल्ड लेटर्स. मतलब आप जितना शॉर्ट हो सके, जितना सिंपल लैंग्वेज हो सके, उस लैंग्वेज के अंदर, उस शॉर्ट मैसेज के अंदर आप पोस्टर्स के अंदर लाइंस लिखेंगे, सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, जिससे कि आइडियाज़ वगैरह आप कुछ, और उसके बाद कलर्स, उसके अंदर कलर्स डालेंगे जिससे कि और इफेक्टिव पड़े. मस्ट बी टाइमली. इट कंटेन्स फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन. ये तीन डिवीजन के अंदर होता है. सबसे पहला इसका पर्पज क्या है प्रोजेक्ट का, दूसरा क्या है सेट आउट कंडीशंस, और थर्ड आता है रिकमेंड्स एक्शंस. ठीक है, ये इसके तीन फेज हो सकते हैं. तीन फेज हो गए. इट शुड बी प्लेस वेयर पीपल पास टुगेदर. उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फ्लैश कार्ड पे. थर्ड पॉइंट हमारा आएगा फ्लैश कार्ड. फ्लैश कार्ड जो होते हैं वो मेनली आपने कार्टून्स वगैरह के छोटे छोटे कार्ड्स वगैरह देखे होंगे, जिसके अंदर आप जनरली जिसका जो साइज़ होता है वो बुक के अंदर दे रखा है 25 x 30 cm जो साइज़ दे रखा है. और जो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कार्टून्स बने होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड डायग्राम्स बने होते हैं. तो इसके अंदर फ्लैश कार्ड की जो प्रिपरेशन होगी वो कैसे होगी कि कट अ चार्ट पेपर एंड कट आउट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स एंड गेट द फ्लैश कार्ड. राइट द कंटेंट ऑन अ आइदर इन अ फ्री हैंड एंड यूजिंग लेटरिंग स्टेंसिल्स एंड स्केच पेन. इसके अंदर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं स्केच पेन या फिर स्टेंसिल्स वगैरह से. इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वली चार पार्ट्स होने चाहिए. ये सारे इसको प्रिपेयर करने के लिए मैथड्स हैं. उसके बाद फ्लैश कार्ड का जो मेन यूज़ है वो क्या है कि इंट्रोडक्शन अबाउट द लेसन ऑफ स्टूडेंट. स्टूडेंट को लेसन के बारे में इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपन फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट अबाउट देयर एक्शन व्हाई द फ्लैश पिकअप्स. नेक्स्ट इसका यूज़ आता है वो है स्टूडेंट का जो रेस्पॉन्ड होगा एज पर इंस्ट्रक्शन, वो देखेंगे हम. एड मोर इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट रेस्पॉन्स. स्टूडेंट का जो रेस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे. टेस्ट द लर्निंग बाई एडिशनल फ्लैश कार्ड. एडिशनल फ्लैश कार्ड के थ्रू हम लर्निंग को और ज़्यादा टेस्ट करेंगे. रिव्यू द लेसन बाई सेलेक्टिविटी यूजिंग फ्लैश कार्ड. लेसन को रिव्यू कर सकते हैं हम फ्लैश कार्ड की सेलेक्टिविटी के थ्रू. वापस उसको यूज़ करके उसको देख सकते हैं अपन, रिव्यू कर सकते हैं. और फ्लैश कार्ड के जो एडवांटेज है वो क्या है. फ्लैश कार्ड के जो एडवांटेज के अंदर सबसे पहले ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा या प्रेजेंट करेगा, उसके लिए यूज़ करते हैं सबसे पहले. दूसरा आएगा अप्लाई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गेन बाय स्टूडेंट टू न्यू सिचुएशंस. तीसरा जो आता है वो है रिव्यू अ टॉपिक, टॉपिक को वापस से रिव्यू करने के लिए. फोर्थ जो आएगा ड्रिल एंड प्रैक्टिस द एलिमेंट्री क्लासेस. फिफ्थ जो पॉइंट आएगा वो एबिलिटी ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिकॉल ऑफ स्टूडेंट्स. रिकॉल के लिए भी अपन फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. स्पेशल पर्पज़ क्या होगा कि प्लेइंग एजुकेशनल गेम्स एंड कपल्स लर्निंग विद फन, इसके लिए भी इसका यूज होता है. नेक्स्ट आता है वो आता है
पैनल बोर्ड पैनल बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। पैनल बोर्ड जो होता है वो एक कार्डबोर्ड से या फिर वुडन से बना हुआ एक शीट होती है बड़ी सारी, उसके ऊपर आप क्लोथ को यूज कर सकते हैं, कपड़े को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में उसको यूज करने और उसको बनाने के बाद आप उसके ऊपर बहुत सारे कार्टून्स को डिजाइन करके लगा सकते हैं, पिनअप कर सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे फ्रूट्स के डायग्राम, चार्ट्स के डायग्राम सारे उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि हेल्प मिलती है लर्निंग के अंदर। जैसे नॉर्मली छोटी क्लास के अंदर जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं या जो नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर उन क्लासेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप डायग्राम्स को चिपका सकते हैं जैसे बहुत सारे, और चिपकाने के बाद आप बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनको लर्न करवा सकते हैं चीज़ों को। तो मेनली जो पैनल बोर्ड होता है वो बहुत ही यूजफुल चीज़ होती है। और पैनल बोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। तो पैनल बोर्ड जो होता है वो एक वुडन कार्डबोर्ड एंड स्ट्रॉ बोर्ड होता है जो कवर होता है कलर्ड पैनल एंड वुलन क्लोथ से। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, कटआउट्स, पिक्चर्स, ड्राइंग एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स बैक विथ रफ सरफेस लाइक अ पेपर स्ट्रिप, प्लैनर स्ट्रिप एक्सेट्रा विद स्ट्रिक टू अ प्लैनर बोर्ड टेम्पररी। प्लैनर बोर्ड का जो मेन जो साइज होता है, आइडियल साइज होगा वो 1.5 x 1.5 मीटर का होगा, जो कि मोस्ट वाइडली यूज होता है। और इसके बाद जो प्लैनर बोर्ड के जो यूज होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आप क्या करेंगे प्लैनर बोर्ड के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ और वे होंगे। रिसोर्सफुल टीचर्स में भी फाइंड न्यूमरस एप्लीकेशन ऑफ विजुअल एड। विजुअल एड का काम करता ही है। इसके अंदर क्या होता है, आप सबसे पहले पिक्चर्स को कलेक्ट करेंगे, लाइट ऑब्जेक्ट्स और कटआउट्स को और कलेक्ट करेंगे, सैंड पेपर या पीसेस को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप डिस्प्ले द मटेरियल ऑन द प्लैनर बोर्ड। प्लैनर बोर्ड के ऊपर जो मटेरियल है उसको चिपकाएंगे या डिस्प्ले करेंगे इन सीक्वेंस के अंदर, और एक लेसन को डेवलप करेंगे आप। उसके बाद चेंज द पिक्चर्स ऑफ कटआउट्स यू टॉक टू द स्टूडेंट्स एज यू, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे जैसे आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप कटआउट्स को चेंज करते जाएं जिससे कि टॉपिक को समझने में आसानी हो। उसके बाद क्या होगा, यूज प्लैनर बोर्ड टू क्रिएट प्रॉपर सेंस एंड डिजाइन एलिमेंट टू द लेसन। उसके बाद क्या है, मैनी गुड टीचर्स एंड एजुकेटर्स हैव यूज प्लैनर बोर्ड फॉर फॉलोइंग टीचिंग सिचुएशंस। उसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले स्टोरी को टेल करने के लिए, स्टोरी को बताने के लिए पिक्चर्स के थ्रू आप स्टोरी को बता रहे हैं या लेटर रिकॉग्निशन कर रहे हैं। जैसे आप छोटी क्लास में होते हैं ए बी सी डी, ये जो लेटर्स हैं उनको आप कार्ड, उनको आप छोटे छोटे लेटर्स को बना के और उसके प्लैनर बोर्ड के ऊपर चिपका सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, रिकॉल टेस्टिंग अप्रोप्रिएट पिक्चर्स कैन बी यूज टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। ये टीचिंग का एक डिफरेंट वे है जिससे कि बहुत आसानी होती है छोटे बच्चों को समझने में मेनली। और प्लेइंग इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव जगसुक पजल एंड फ्लैनल बोर्ड कैन बी क्वाइट यूज। ये प्ले के लिए, पजल के लिए फ्लैनल बोर्ड का अपन यूज करते हैं। शोविंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स और स्टेप ऑफ प्रोसेस द फ्लैनल बोर्ड कैन बी यूज इफेक्टिवली। फ्लैनल बोर्ड का यूज करते अपन इफेक्टिवली, फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। उसके बाद फ्लैनल बोर्ड के जो एडवांटेज है वो है, फ्लैनल बोर्ड डिस्प्ले होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड अरेस्ट देयर अटेंशन। स्टूडेंट की अटेंशन को गेन करता है और डिस्प्ले आप जैसे जैसे डिस्प्ले करेंगे उसको बोर्ड्स के ऊपर चार्ट्स को चिपकाते जाएंगे या लेटर्स को चिपकाते जाएंगे या पिक्चर्स को चिपकाते जाएंगे, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है लेसन पढ़ने का। द प्रोविजन ऑफ सिक्वेंशियल चेंज ऑफ मटेरियल अ प्लैनर बोर्ड प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन लेसन डेवलपमेंट। लेसन के डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी
process and easy with which display material can be changed on planner board without use of drawing pins and tags. Paste make it most desirable and convenient display board. Planner boards enable teachers to talk along the changing illustration to develop a lesson. A changing of picture and planner board is able to kindle enthusiasm and interest of teacher as well as student. Next, you have to acquire a bulletin board. बुलेटिन बोर्ड के अंदर क्या करता है, इसका यूज बहुत करता है इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए. दोनों यूज होंगे इसके, इंफॉर्मेशन का भी और एजुकेशन का भी. इट कैन मोटिवेट सप्लीमेंट एंड एनरिच लर्निंग एंड स्टिमुलेट्स थॉट्स. एम्प्लॉय इंटरेस्टिंग मोटिवेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी एंड डिजायर ऑफ नॉलेज. नॉलेज को बढ़ाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, डिजायर्स बढ़ाता है, तो ये एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है. इसका जो मेनली यूज होता है वो होता है फोटोग्राफ्स के अंदर, उसके बाद कटआउट्स इलस्ट्रेशंस के लिए, पब्लिकेशंस के लिए, ड्राइंग्स के लिए, स्पेसिमेंट्स के लिए, पोस्टर्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, अनाउंसमेंट या असाइनमेंट के लिए, इन सब का यूज होता है बुलेटिन बोर्ड्स का. तो बुलेटिन बोर्ड्स की जो इमेज है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बुलेटिन बोर्ड के बारे में. नेक्स्ट आता है यूज ऑफ बुलेटिन बोर्ड. क्या करता है कि आइडियाज को कम्युनिकेट करता है सबसे पहला, दूसरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करेगा, एंड थिंग्स डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज टू मेक लोकल अनाउंसमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ऑल. मोटिवेट करेगा लर्नर को, क्योंकि ये एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा यूजफुल है. इंटेंसिटी ऑफ इम्प्रेशन एंड वाइटलाइज इंस्ट्रक्शन. वैरायटी ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी भी ऐड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. ये सारे क्या होंगे, बुलेटिन बोर्ड के यूज़ होंगे. और इसकी जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत सारे हैं. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड. लिमिटेशंस क्या होगा कि बुलेटिन बोर्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल इंक्लूसिव टीचिंग एंड दे हैव टू बी यूज एज सप्लीमेंट्री एड टू अदर टीचिंग एड्स. At time, the collection of relevant material for certain specific topic may be difficult. तो कुछ कुछ चीज़ों के अंदर आप बुलेटिन बोर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं. उसके अंदर आप टॉपिक्स, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हो सकते हैं, उसको आप चार्ट्स के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू आप शो नहीं कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कार्टून. इसी का अगला पॉइंट है कार्टून. जो है वो एक ह्यूमरस क्रिएचर जो कि क्या करता है, सबटल मैसेज करता है. जैसे आपके सामने कोई कार्टून या कार्टून से रिलेटेड कोई डायग्राम्स है, तो उसको आप देखते ही आप समझ जाते हो कि कार्टून किस चीज़ का है, किससे रिलेटेड है, क्या समझाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्या एजुकेट करना चाहता है, उससे आप कितना लर्न कर पाते हैं. ये सारी चीज़ें हैं वो कार्टून क्या करता है, इजी बनाता है हर चीज़ को लर्न करने के लिए. तो कार्टून के जो मेनली जो यूज़ होते हैं वो है पर्सनलाइज ह्यूमर के लिए, फैंटेसी के लिए, इनकॉग्निट के लिए, उसके बाद एग्रीगेशन के लिए, एग्जैग्रेशन के लिए. उसके बाद इसके जो इंस्ट्रक्शन एडवांटेज है कार्टून्स के वो क्या होंगे, इफेक्टिवली यूज टू इनिशिएट सर्टेन लेसन. किसी भी लेसन को इनिशिएट करने के लिए आप कार्टून का यूज़ करें तो मोर इफेक्टिव होगा. उसके बाद कार्टून कैन बी यूज टू मोटिवेट स्टूडेंट टू स्टार्ट डिस्कशन. डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए भी मोटिवेशन के तौर पर आप कार्टून्स का यूज़ कर सकते हैं. और मेकिंग लेसन लाइवली एंड इंटरेस्टिंग बनाता है लेसन को. ऐसा लगता है कि लाइव चल रहा है. तो ये सारे कार्टून्स के यूज होंगे. यहाँ पे ख़त्म होता है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स. द रिमेनिंग टॉपिक
क्लास के अंदर पढ़े।